बच्चों, आज मैं आप सभी को नीरज सिंह लेक्चर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 10th की त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.A बताऊंगा। यह प्रश्नावली कक्षा 10 के छात्र व छात्राओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी और सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी या डॉक्टर मनोहर रे, प्रश्नावली 8A। प्यारे बच्चों, मैं दोनों किताबों के प्रश्न आप सभी को कराऊंगा। मैं आप सभी को आज प्रश्नावली 8A डॉक्टर मनोहर रे की किताब से बता रहा हूँ, जिसमें बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन हैं, अतिरिक्त क्वेश्चन हैं। तो उसमें जो एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं वो आपके एनसीईआरटी सिलेबस के हैं, अतिरिक्त क्वेश्चन हैं वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, ये सब कुछ बताया था। इससे आगे आज मैं आप सभी को नीरज सिंह लेक्चर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रश्नावली 8A का पहला क्वेश्चन कराऊंगा, जो इस प्रकार है। देखें, दिया है एक त्रिभुज में, प्रश्न है दिया है एक त्रिभुज में कोण बी बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कॉमा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कॉमा बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कॉमा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कॉमा बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो एक हमने प्यारे बच्चों एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें सवाल में क्या कह रहा है कि कोण बी, जो कोण बी है वो क्या है, 90 डिग्री। कोण बी कौन सा हमारा, 90 डिग्री। तो हम इसको क्या देंगे, यहां बी दे दिया हमने, बी इधर बिंदु दे दिए ए और इधर दे दिया सी। अब कोण बी है वो कितना है, 90 डिग्री। ये हमारा कोण बी 90 डिग्री का है। अब इसमें क्या दिया है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर कितना हो गया हमारा, 5 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है कि बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो बीसी बराबर कितना है, बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, अब हमें इसमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। हमने कल कल या इससे पहले वाले लेक्चर में आप सभी को बताया था कि कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण। और हमने यही बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, कर्ण बराबर सूत्र होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। प्यारे बच्चों, हमारा इसमें आधार कितना है, 5, लंब कितना है इसमें 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण, क्या निकालना है, कर्ण।
सूत्र क्या होता है हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चों सूत्र हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधा स्क्वायर। तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है प्यारे बच्चों हमारा इसमें 12, 12 का वर्ग प्लस आधार कितना है प्यारे बच्चों हमारा इसमें 5, 5 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग कितना होता है प्यारे बच्चों 144। जिन बच्चों को वर्ग निकालना नहीं आता है तो वो बच्चे जितनी घात होती है इसके ऊपर, दो घात है तो उसका दो बार गुणा करेंगे, 12 गुणा 12, जब 12 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा 144। तो 144 प्लस 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25। कर्ण स्क्वायर बराबर 144 प्लस 125, 144 प्लस 25 टोटल कितने हुए प्यारे बच्चों 169, 169। इस तरफ से कर्ण है वर्ग हटाएंगे, इस तरफ क्या लगाएगा अंडरूट, तो अंडरूट लग जाएगा तो यहां कितना होगा हमारा 169। प्यारे बच्चों अब हमारा कितना होगा कर्ण बराबर कितने का वर्ग है हमारा ये 13 का, तो बाहर निकालने कितने निकलेंगे 13। अब प्यारे बच्चों आपका होगा कि हाँ सर आपने प्लस क्यों नहीं लगाया, माइनस क्यों नहीं लगाया, प्लस माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लिया। प्यारे बच्चों जब हम लंबाई निकालते हैं तो हमारी लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने प्लस और माइनस चिन्ह नहीं लगाया, सिर्फ प्लस का ही चिन्ह लगा दिया। तो हमारा कितना हो गया कर्ण बराबर कितना निकला हमारा 13, ये हो गया हमारी कितना निकली 13 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों अब हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करिए। तो प्यारे बच्चों बात इसकी चल रही है हमारी, किसकी चल रही है इसकी, कल हमने क्या बताया था एल ए एल बट्टे के ए लाल बट्टे कक्का, एल क्या होता है लंब, ए क्या होता है आधार, और के फिर एल आ गया तो क्या हो गया हमारा लंब, के क्या हो गया कर्ण, फिर के कर्ण और फिर ए आधार। प्यारे बच्चों क्या पूछना है हमें, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए, साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। प्यारे बच्चों साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है इसमें 12 सेंटीमीटर, कर्ण कितना निकला हमारा इसमें 13 सेंटीमीटर, साइन ए का मान कितना आ गया हमारा साइन ए बराबर 12 बट्टे 13। इससे हम क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, कॉस ए, कॉस ए का मान निकालना हमें, कॉस ए तो कॉस ए का मान कैसे निकालेंगे आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है प्यारे बच्चों हमारा इसमें 5, कर्ण कितना निकला हमारा इसमें 13, तो क्या करेंगे 5 बट्टे 13, कितना निकला हमारा कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस ए बराबर कितना निकला हमारा 5 बट्टे 13। अब बात किसकी है प्यारे बच्चों, टेन ए, तो टेन ए बराबर, टेन ए बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों हमारा लंब बट्टे आधार, क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब हमारा इसमें कितना है, इसमें लंब कितना हमारा 12 सेंटीमीटर, आधार कितना है 5, तो 12 बट्टे 5। पहला प्रश्न पूरा हुआ प्यारे बच्चों, इससे आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है,
भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन ए टेन ए कॉमा कॉस सी और कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसे हमने ये वाला प्रश्न किया इसी प्रकार से भी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, इसमें त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए टेन ए साइन ए टेन ए कॉमा कॉस सी तथा कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने समकोण त्रिभुज बनाया। अब इसमें समकोण त्रिभुज में बी है वो कितने का है 90 डिग्री, कोण भी समकोण है, भुजा ए भी बराबर कितनी है 4 सेंटीमीटर, भुजा ए भी बराबर 4 सेंटीमीटर, भुजा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, भुजा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, भुजा सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, भुजा सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, अब हमें इसमें क्या करना है, हमारे पास आधार भी पता है, कड भी पता है, लंबी भी पता है, तो प्यारे बच्चों सिर्फ हमें अब सूत्र में लगाने हैं ये मान। सब सूत्र हमारा क्या होता है, क्या पूछ रहा है, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, ये आता कहां से, एल ए एल बट्टे के, ये हमने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, यहां साइन कॉस टेन साइन कॉस टेन कॉट से कुसे, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, इसमें हमारा लंब कितना है प्यारे बच्चों 3, कर्ण कितना है प्यारे बच्चों इसमें, कितना है कर्ण प्यारे बच्चों इसमें 5, तो 5। अगला क्या पूछ रहा है, टेन ए, टेन ए बराबर साइन कॉस टेन, टेन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब कितना हाँ इसमें 3, आधार कितना है 4, 3/4। आगे इसमें फिर कह रहा है प्यारे बच्चों, कॉस सी तथा कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए, कॉस सी तथा कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम इसे, इस क्वेश्चन में अब ये चित्र है हमारा, अब बात आती है इसकी, अब हमें ये वाला निकालना है, तो हम ऐसा चित्र बना लेंगे अभी दोबारा, फिर यहां सी है, यहां बी है, यहां ए है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है और ये हमारा 3 सेंटीमीटर दिया है। अब प्यारे बच्चों करना क्या है इसमें, ये हमारा समकोण है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है कर्ण, तो इसे तो हम कर्ण मानेंगे। अब पूछ रहा है सी कॉस सी और कॉट सी, तो कॉस सी के लिए क्या करेंगे, इसे कौन मान लेंगे हम, और उसके सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, ये हो गया लंब, अब ये ऐसे हो गया हमारा, ये हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार, क्या हो गया आधार। तो प्यारे बच्चों क्या दिया हमारे पास, कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए, तो कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए, कॉस का मान क्या होता है आधार बट्टे कर्ण,
इसमें हमारा आधार कितना है, तीन, कर्ण कितना है इसमें, पांच, तो पांच अब क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों इसमें, कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए, तो कॉट सी निकाल लीजिए आप, कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट का मान कितना है आधार बट्टे लंब, कितना होता है प्यारे बच्चों आधार बट्टे लंब, आधार कितना हमारा इसमें तीन, लंब कितना है चार, तो तीन बट्टे चार। इस प्रकार ये भी प्रश्न हमारा पूरा हुआ। इससे आगे क्या है प्यारे बच्चों हमारा प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, यदि पी क्यू बराबर रूट के अंदर तीन, पी क्यू बराबर रूट के अंदर तीन, पी आर बराबर एक तथा क्यू आर बराबर दो हो, तो साइन क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू कॉस क्यू कॉमा टेन आर और साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों जैसे हमने पहला प्रश्न किया दूसरा किया वैसे हम इसे करेंगे, देखते हैं आगे। फिर प्रश्न नंबर तीन या क्वेश्चन नंबर तीन, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी है वो कैसा है, समकोण है, तो यहां हमने पी कर दिया, पी क्यू आर, पी क्यू आर, अब पी समकोण है तो इसे ये समकोण कर दिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि पी क्यू बराबर अंडर रूट तीन, पी क्यू बराबर अंडर रूट तीन, तो कितना दे रहा है कह रहा है इसमें, पी क्यू बराबर अंडर रूट तीन, तो पी क्यू कितना हमारा, पी क्यू बराबर अंडर रूट तीन, तो पी आए क्यू आए कितना हो गया अंडर रूट तीन, आए क्या कह रहे बच्चों, पी आर बराबर एक, पी आर बराबर एक, ये हो गया हमारा एक सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा रूट तीन सेंटीमीटर। और क्या दे रहा है प्यारे बच्चों इसमें, क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर दो सेंटीमीटर, कितना है क्यू आर बराबर दो सेंटीमीटर, तो दो सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों इसमें पूछ कह रहा है हमारा साइन क्यू और कॉस क्यू, साइन क्यू और कॉस क्यू, प्यारे बच्चों ये कोण कितने का हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है हमारी कर्ण, तो ये होगी हमारी कर्ण, ये कितना हो गया हमारा आधार, अभी क्यू की बात चल रही है जब क्यू निकालना है तब, और ये क्या हो जाएगा लंब, लंब, तीनों भुजाएं हमारे पास हैं, लंब है कर्ण है आधार है, हमें कोई भुजा निकालनी नहीं है, सिर्फ सूत्र में लगाना है। तो पहले क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों हमारा, साइन क्यू बराबर या साइन क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन क्यू बराबर क्या होता है, साइन साइन क्यू बराबर, साइन क्यू बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों हमारा, लंब बट्टे कर्ण, वही फिर बना लेंगे एल ए एल बट्टे के ए, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना हमारा इसमें प्यारे बच्चों एक, कर्ण कितना इसमें दो, तो एक बट्टे दो। इससे आगे क्या प्यारे बच्चों हमारा, कॉस क्यू, तो कॉस क्यू, कॉस क्यू, तो कॉस कैसे निकालते हैं आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना प्यारे बच्चों हमारा इसमें अंडर रूट तीन, कर्ण कितना प्यारे बच्चों इसमें दो, तो दो। अब इसके बाद फिर क्या पूछ रहा हमें, टेन आर और साइन आर का मान ज्ञात कीजिए, फिर बना लेंगे पुनः चित्र प्यारे बच्चों, इसे अभी तो इसकी बात थी, अब हमें ये वाला निकालना है, तो दोबारा फिर बना लो इसे समझने के लिए, अपने ये बना लिया हमने कोण पी कैसा है, समकोण है, क्यू
आर कितना दिया, ये 3√3 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हमारा 2 सेंटीमीटर, ये कितना दिया 1 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों इसके सामने वाली भुजा कौन सी होती है, हमारी कर्ण, ये होगी हमारी कर्ण, ये क्या होता है हमारा, अब हमें निकालना क्या है कोण सी, सी की बात चल रही है, क्या पूछ रहा है, क्या निकालना हमें, आर निकालना है, टेन आर, तो टेन आर निकालना है, टेन आर के लिए कौन सा कोण कोण हमारा ये वाला, इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ये लंब, ये होगी हमारी लंब, ये क्या हो गया आधार, आधार, तो क्या पूछ रहा है इसमें, टेन आर, टेन आर, प्यारे बच्चों टेन का सूत्र क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, इसमें लंब कितना है प्यारे बच्चों, अंडर रूट तीन, कितना है अंडर रूट तीन, फिर क्या होता है आधार, आधार कितना है प्यारे बच्चों हमारा, इसमें कितना है एक, तो एक, और एक का किसी भी संख्या में भाग दें या गुणा करें तो कोई अंतर नहीं आता, आप सभी को पता है प्यारे बच्चों ये, तो क्या होगा हमारा अंडर रूट तीन। अब क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों इसमें, साइन आर, तो साइन आर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन आर बराबर सन बराबर तो क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना हमारा इसमें अंडर रूट तीन, कर्ण कितना है दो, तो अंडर रूट तीन बट्टे दो, ये भी मान हमारे निकल गए। इससे आएगा प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न प्रश्न नंबर चार क्या दिया है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण त्रिभुज है, कौन सी समकोण त्रिभुज है, यदि भुजा एबी बराबर 26, एसी बराबर 10 और बीसी बराबर 24 हो तो साइन ए टेन बी कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन बी टेन बी और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चे हमने प्रश्न संख्या एक, प्रश्न संख्या दो और प्रश्न संख्या तीन को किया, इसी प्रकार प्रश्न संख्या चार को करेंगे। क्या दे रहा है प्यारे बच्चों प्रश्न हमारा, समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है, तो प्यारे बच्चों ये हम समकोण बना लें, इसे बिंदु दे दें। अब क्या कह रहा हमारा कौन सी है वो समकोण है, तो कौन सी इसे यहां बिंदु से हमने सी दे दिया, ये क्या हुआ कौन सी हमारा समकोण हो गया, यहां ए दे दिया हमने, यहां दे दिया बी, कौन सी समकोण है यदि भुजा ए बी बराबर 26, भुजा ए बी बराबर 26, तो ए बी बराबर 26, ए बराबर 26, ए सी बराबर 10, ए सी बराबर 10 और बी सी बराबर 24, बी सी बराबर 24, बी सी बराबर 24, तो साइन बी टेन बी, तो साइन बी टेन बी किसकी बात चल रही है प्यारो, किसकी बात चल रही है प्यारे बच्चों, साइन बी और टेन बी, इस कोण की बात चल रही है, इसकी किसकी, इसकी बात चल रही है, तो इस कोण इसकी बात चल रही है, इसके सामने वाले भैया क्या क्या होगी हमारी लंब, ये क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया हमारा आधार, आधार, तो क्या पूछ रहा है साइन बी, साइन बी बराबर, साइन बी बराबर, प्यारे बच्चों साइन बी बराबर तो क्या होता है समकोण होता है लंब बट्टे कर्ण, अभी हमने बताया था आपको
कैसे निकालते हैं? यहां से निकाल लेते हैं, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कोट से कुछ है तो लंब बटे कट, लंब कितना है इसमें हमारा 10, कट कितना है 26, कुछ कट रहा है, दो से काट देंगे, दुपंजी 10, दो एक दो दुतिया 6, कितना बचा हमारा, कितना बचा प्यारे बच्चों 5/13, कितना मान निकला तुम्हारा साइन बी बराबर 5/13। अब किसकी बात है प्यारे बच्चों, टेन बी, तो टेन बी बराबर, टेन बी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों हमारा क्या है, लंब बट्टे क्या है यहां पर, लंब बट्टे आधार, कितना प्यारे बच्चों लंब बट्टे आधार, लंब कितना हमारा इसमें 10, आधार कितना है 24, दो का आधार चला जाएगा दोनों में चला जाएगा, दुपंज 10, दो एकम दो दो दूनी 4, कितना बचा 5/12, तो टेन बी बराबर 5/12। अब क्या पूछना प्यारे बच्चों से हमारा, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, क्या पूछ रहा प्यारे बच्चों, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, तो कॉस ए का मान ज्ञात कर लेंगे इसी में, कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, फिर से बना लेंगे यही समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज कोण सी है, यहां ए हो गया, यहां बी हो गया, और ये भुजा कितनी हमारी 26, ये कड़ है, ये तो इसके सामने भी भुजा कड़ होती है, कड़ मान लिया हमने इसे, अब ये कितना है 10 और ये कितना है 24, अब इसकी बात चल रही है कौसे का मान ज्ञात कीजिए, तो कौसे हमारा क्या है ये, इसकी बात तो इसके सामने भुजा कौन सी हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, लंब, ये कितना हो गया हमारा आधार, कितना हो गया प्यारे बच्चों ये हमारा आधार, ये आधार हो गया प्यारे बच्चों हमारा। अब हमें क्या करना है, अब किसका मान निकालना है, कॉस ए का, तो कॉस ए क्या होता है आधार बट्टे कट, आधार कितना हमारा इसमें 10, कट कितना है इसमें 26, कितना है 26, तो दो पंजे 10, दो एक दो दो दूनी 4, दो तीन 6, कितना बचा हमारा 5/13, तो कॉस ए बराबर 5/13। इस प्रकार ये भी प्रश्न हुआ हमारा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 5 दे रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर और ए सी बराबर रूढ़ के अंदर 2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, तो साइन ए और टेन सी के मान ज्ञात कीजिए, तो इसे भी करेंगे प्यारे बच्चों। त्रिभुज प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन 5, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब यह है कि भुजा ए बी बराबर भी 1 सेंटीमीटर है और भुजा बी सी बराबर भी 1 सेंटीमीटर है, कॉमा ए सी बराबर रूढ़ के अंदर 2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए और टेन सी के मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों देखें अभी आप, कोण वी कैसा है समकोण त्रिभुज है, तो कोण वी समकोण त्रिभुज है, तो कोण वी हमारा इसे बी दे दिया, इसे ए दे दिया, इसे सी दे दिया, 3 हमने बिंदु दे दिए, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी कड़, तो ये हमारी कड़ हो गई,
अब इसमें क्या दे रहा है प्यारे बच्चों, इसमें ए भी बराबर एक, ए भी बराबर एक, बी सी बराबर एक, बी सी बराबर एक, और ए सी बराबर कितना प्यारे बच्चों, और रूट दो, तो ए सी बराबर रूट दो सेंटीमीटर। यहां लिख देंगे सेंटीमीटर, यहां लिख देंगे सेंटीमीटर, और यहां लिख देंगे सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर। अब बात आती है प्यारे बच्चों, पूछ कर रहा है इसमें लंबी भी पता है हमें, कड़ी पता है, आधा भी पता है, तो क्या पूछ रहा है, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कड़। लंब कितना है हमारा इसमें, ये लंब वजह होती है, ये आधार हो गया, तो लंब कितना है इसमें, एक बट्टे कड़ कितना है, अंडर रूट के अंदर दो, तो ये निकल आया हमारा। अब क्या पूछ रहा है, टेन सी के मान ज्ञात कीजिए, तो टेन सी में निकालना है, टेन सी के लिए क्या करेंगे, इसे दोबारा बना लेंगे, फिर समकोण त्रिभुज एबीसी बना लिया हमने, कोण पी है वो कैसा है, समकोण है, ये ए बिंदु है, यहां सी बिंदु है, अब बात इसकी चल रही है, इसमें इसकी थी, इसकी बात चल रही है, तो इसके सामने वाली भैया क्या हो जाएगी हमारी लंब, ये कितना हो गया एक सेंटीमीटर, ये क्या होगी हमारी लंब, ये कड़, कड़ कितना दे रहा है रूट दो सेंटीमीटर, और ये एक सेंटीमीटर, क्या पूछ, ये क्या हो गया हमारा आधार, ये भैया हमारी आधार हो गई। तो प्यारे बच्चों हम पूछ रहा है इसमें टेन सी के मान ज्ञात कीजिए, टेन सी के मान ज्ञात कीजिए, तो टेन सी कैसे निकालेंगे, टेन सी, टेन सी का तो क्या होता है प्यारे बच्चों, एल ए एल बट्टे लंब बट्टे आधार, लंब कितना कितना हमारा इसमें एक, आधार कितना इसमें एक, एक से एक कट गया कितना बचा एक, तो टेन सी बराबर एक, ये कितना आ गया हमारे प्यारे बच्चों, टेन सी बराबर एक। इससे आएगा प्रश्न क्या प्यारे बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू है वो कैसा है, समकोण है, यदि पी क्यू बराबर चार सेंटीमीटर कोमा क्यू आर बराबर तीन सेंटीमीटर और पी आर बराबर पांच सेंटीमीटर हो, तो कॉस पी टेन पी तथा कॉस आर के मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों अभी तक हमने इतने इतने कुछ प्रश्न किए हैं, अभी तक हमने प्रश्न संख्या एक, प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या तीन और प्रश्न संख्या चार और प्रश्न संख्या पांच को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया। ये प्रश्न, प्रश्न संख्या एक दो तीन चार पांच, इसी प्रकार छठवां है। प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन प्रश्नों को पूरा देखें, पूरा समझें, और प्यारे बच्चों इन प्रश्नों में आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध